एक्ट अगर देखी जाए तो 1 मार्च से अभी तक हम लोगों ने नियरली 17,000 लोगों को अरेस्ट किया है। अगर पीआर देखी जाए तो करीब 12,500-13,000 पीआर दिए गए हैं। 4,000 से 4,500 तो सिर्फ बाइंडिंग डाउन पीआरस हैं। अगर हम इतने लोगों को बाइंड डाउन कर दें काफी हद तक हमारी सिचुएशन इंप्रूव कर जाएगी। उसी हिसाब से अगर हम सीजर्स देखें 8.59 करोड़ की सीजर हम एक महीने में कर चुके हैं और बढ़ाना है इसे। काफी अच्छी सीजर्स हुई हैं अभी कई डिस्ट्रिक्ट्स में जहां जगह पे जाके बेस्ड ऑन सोर्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग पॉइंट से सामान निकाला गया है, बहुत क्रेडिटेबल है। हम अभी नाके इत्यादि में पकड़ रहे हैं, अब हम घरों पे जाके पकड़ रहे हैं। ये बहुत इम्पैक्ट है इसका और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सारे फील्ड ऑफिसर्स जो ग्राउंड पे हैं जिन्होंने इतना बोल्ड और इतना इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। पुलिस की जो नाका पॉइंट्स हैं उसकी अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख व्हीकल्स हैव बीन चेक्ड ओवर द लास्ट 1 मंथ। जस्ट द फाइन मनी कलेक्टेड इज ओवर 1.34 करोड़। The number of persons arrested, the number of PRs given, the number of vehicles checked, the seizures made are all very, very positive signs of action being taken on the ground. And इसमें कोई doubt नहीं है कि बहुत ही coordinated और बहुत अच्छा action आपके तरफ से हो रहा है। किंतु मैं अभी भी feel करता हूं कि अब ये जो last 5-7-8 दिन की इसका समय है, यहां हमें दांत गड़ाने की जरूरत है। ये दिखाने की जरूरत है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी फोर्स है, वो एक हैमर के तरह रूथलेसली जो भी मिसक्रिएंट्स है उसके सिर पे गिरना चाहिए। और ये मैंने अपने कॉलीग्स इन द फील्ड एसपीज को बहुत क्लियरली बताया है। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग सब मिलके इसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर सकें फ्रॉम नाउ ऑन। मोटरसाइकिल गैंग्स, नॉन ट्रबल मेकर्स, पिछले बार के जिन्होंने घटनाएं की हैं, जो चिन्हित हैं या केसेस में इन्वॉल्व हैं, जो रेगुलर कंप्लेनेंट्स हैं ऑफ ट्रिवियल कंप्लेंट्स, इस तरह के लोगों को बाइंड डाउन करना या उनको अरेस्ट करना, उस पर एक्शन लेना जरूरी है। ये किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं होगा अब कि हम ईसी की रिपोर्ट कार्ड खराब करें, किसी भी हालत में ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो क्योंकि हमने बार को बहुत हाई कर दिया है, हमें उतना दूर का छलांग लगाना पड़ेगा। यह सही है कि हमारी फोर्सेस कम है, लेकिन हम उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे और अच्छे से उसको इस्तेमाल करेंगे।